पति गे है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुख्य तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस वीडियो कॉल्स हम करते रहते हैं, उसमें एक लड़की का फोन आया, कुछ महीने पहले शादी हो गई है, लॉकडाउन के कुछ महीने पहले, और मतलब अभी 5-6 महीने अप्रॉक्सीमेटली शादी हो गई, और तब से उसको ऐसा लगा कि अपना पति गे है, उसको डाउट आ रहा है। वो कन्फ्रंट करती है, उसके साथ में बातचीत करती है, वो टाल देता है। शादी के तुरंत बाद 5-6 दिन तो उसने सेक्स किया भी नहीं, साथ में सोने को टाल दिया, बोले पीठ दर्द कर रहा है, ठीक नहीं है तबीयत, थक गया हूँ ऐसा। 5वें 6वें दिन के बाद में इसने बस जबरदस्ती किया तो उसने सेक्स किया, उसमें सेक्स हुआ, मगर उसको ऐसा लगता है कि इसको मेरे में कुछ भी रुचि है नहीं। अभी तक 5-6 महीने में पिछले हार्डली 4-5 बार सेक्स हुआ होगा, वो भी अंधेरे में करता है, वो इरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ समझ में नहीं आता है, उसको संतुष्टि कभी होती है कभी हुई नहीं, ये 4-5 बार जब किया तब। उसको सेक्स में भी कोई मतलब ये लड़की को सेक्स में कोई एन्जॉयमेंट नहीं आया, मज़ा भी नहीं आई, और जो भी जब भी किया तभी उसको लड़की को इनिशिएट करना पड़ा, उसने खुद ने इनिशिएट नहीं किया। उसको ऐसा लगता है कि अपना पति जो बात करता है वो लड़की जैसी बात करता है, और इसके साथ में ज़्यादा बात भी नहीं करता, और ज़्यादा दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पे चैट चालू रहती है, फ़ोन चालू रहते हैं, वो मोबाइल्स में पिक्चर्स एक्सचेंज करते रहते हैं, और एग्जैक्टली पूछा मोबाइल में आप किससे साथ बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं तो बताता नहीं है, झगड़े करते रहता है। ज़बरदस्ती शादी किया गया पूछा, बोलता नहीं ज़बरदस्ती नहीं किया, असली कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली ये गे है कि वो सेक्स है नहीं है, उसको करना क्या है। तो सभी मतलब चिंतित है, ये लड़की अपने मायके चली आई और वहाँ रहती भी नहीं अभी। वो बोलता है कि ठीक है मैं तो आपको रुकने के लिए रहने के लिए ना नहीं बोल रहा हूँ, मगर उसको लगता है कि अभी आगे कैसा होगा, ये ऐसा है तो वहाँ रुकना कैसे, अपने को आगे फैमिली कैसी बढ़ेंगी, लाइफ में कैसा होगा, मतलब उसके बारे में उसको चिंता, और मानने को कोई तैयार नहीं है, उसके घर वाले मानने को कोई तैयार नहीं है, बोलते नहीं नहीं हमारा लड़का तो अच्छा ही है। अभी इसमें लड़की को प्रॉब्लम आता है, अभी करना क्या। इसमें 2-3 बातें कर सकते हैं, एक तो मेरे हिसाब से, एक तो क्या है कि उसको अपने को कन्फ्रंट करना होगा कि भाई उसके घर के मतलब माँ बाप है या बड़े लोग हैं उनको, उनके साथ में लड़की के तरफ के बड़े लोग हैं उनको साथ में लेके बैठ के कुछ ना कुछ बातचीत करके ये सुलझाना होगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, नंबर एक। नंबर दो, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कर सकते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन, फिर पेनाइल डॉपलर कर सकते हैं, और तीसरा सीमेन एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम करते हैं, और वैसे ही उसको कन्फ्रंट करवा के वो किसके साथ में बातचीत करता है, वो जब तक नहीं बताएगा तब तक बोलना नहीं फिर ये शादी कंटिन्यू नहीं हो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो, और वो बताता नहीं है तो फिर शादी कंटिन्यू करने में मतलब नहीं है, क्योंकि जब वो प्रामाणिकता ही नहीं है, जब छिपाना चालू है, जब क्लियर कट बोल नहीं रहा है, कन्फ्रंट किया तो बातें करने को तैयार नहीं है, छुपाते रहता है, तो फिर आगे लड़के ने करना क्या। तो मतलब भाई आपको आगे इस तरह से बढ़ना पड़ेगा, आप डिमांड करो उसके ऊपर कि नहीं भाई आपने तो ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करके हमको रिपोर्ट बताओ, और कन्फ्रंट करो कि भाई ये नहीं चलेगा, आपका मोबाइल हमारे पास में तो हम देखते किसके फ़ोन आ रहे, कौन लड़के हैं, कौन ऐसे आपके दोस्त हैं कि जिनके साथ में आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे व्हाट्सएप पे चालू रहते हैं, कौन लड़के की जिनके साथ में अभी जैसा लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हो गया तो फिर वो बाहर जाने लगा लड़कों के साथ में, तो वो कौन है ऐसे तुम्हारे दो जिनके साथ में तुम रहते हैं, अभी तक अपने पत्नी को लेके बाहर क्यों नहीं घूमने लेके गया, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद में भी जैसा शादी हो गई तो तुरंत उसके बाद में लॉकडाउन लग गया तो बाहर घूमना फिरना भी नहीं था। तो ऐसे सवाल करके कन्फ्रंटेशन करना होगा आमने सामने बैठ के, नहीं तो फिर शादी कंटिन्यू होगी नहीं। तो ये लड़की को थोड़ा साहस बताना पड़ेगा, लड़की वालों को साहस बताना पड़ेगा। इसके पहले मैंने वीडियो में डाला हुआ है कि भाई लड़कियों ने अभी शादी के पहले भी इसकी पूछताछ होना जरूरी है, अकेले में लड़के का इंटरव्यू लेके वो कैसी बातें करता है, क्योंकि इतना कॉमन हो गया है ये अभी गे होना या होमोसेक्सुअल इंक्लिनेशन या बायोसेक्सुअल इंक्लिनेशन कि आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा आगे। तो ये क्लियर कट मालूम करना बहुत जरूरी है कि क्या वो गे है, क्या क्या होमोसेक्सुअल इंक्लिनेशन है, क्या क्या जबरदस्ती शादी कर रहा है, क्या माँ बाप के प्रेशर से शादी कर रहा है क्या, वो जानना बहुत जरूरी होता है। वो नहीं किया तो फिर तो आगे सफरिंग है। हो सकता है कि उसको सेक्स है कि नहीं है, क्या उसको कुछ एडिक्शन है, क्या अल्कोहल का है, क्या और कहीं कोई ड्रग्स लेता है, क्या
तो ये सब जानने के सिवाय शादी करना ठीक नहीं है। अभी तो मैंने ये लड़की को जो बताया कि भाई अभी कन्फ्रंट करो, टेस्ट करो, और नहीं तो मेरे साथ में हम काउंसलिंग करते हैं और साथ में आते हैं एक साथ में फ़ोन पे, और वीडियो कॉल करके हम बातें करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो अब वो कुछ भी करने को तैयार नहीं, फिर तो आपको अलग होना पड़ेगा। तो ऐसे काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है, आप ये वीडियो लोगों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लड़कियाँ और उनके माँ बाप शादी के पहले ये जान लेवे कि एग्जैक्टली स्टेटस क्या है। स्पेशली जो लोग बाहर देश में हैं और वो जल्दी जल्दी में इंडिया में आते रहते हैं और बोलते नहीं हमको भी 15 दिन है, 1 महीना है, जल्दी शादी करना है, उनमें तो ये पहली जानकारी लेना जरूरी है। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। कुछ आपको सवाल होंगे तो जरूर ऑनलाइन कंसल्टेशन करो हमारे काउंसिलर से, कोचेस है जो आपको सवालों के आपके जवाब देंगे। हमारा ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फ्री चैटिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।